हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ मैं, बहुत इजी फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करूंगी इनको, जिससे कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएंगे ये। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये आपके नीट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली ये क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स में पुटअप होते हैं और नीट में आते ही आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि और कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप प्लीज़ वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ उसको किसी भी क्वेश्चंस का, या उस पे आपके लिए वीडियो में अपलोड कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसपे कि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, एक माइंड में सेटअप नहीं रहता है जिसकी बेसिस पे कि उनको मतलब कि क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मियोसाइट्स ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इट्स एंडोस्पर्म। तो मियोसाइट्स मतलब मदर सेल्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मियोसाइट्स क्या होती हैं। तो मियोसाइट्स जो हैं वो क्या होती हैं, मदर सेल्स। और मदर सेल्स हमेशा क्या होती हैं, डिप्लॉयड। ठीक है, तो इट मींस जो 24 क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं, इसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉयड नेचर के हैं। और एंडोस्पर्म में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म में हमेशा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं। तो जब हमको एंडोस्पर्म में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना होगा। गलती क्या करते हैं आप लोग, गलती ये होती है आपको, इसी को हम ट्रिप्लॉयड कर देते हैं, जो आंसर गलत होता है। हमेशा हैप्लॉयड ट्रिप्लॉयड में कन्वर्ट होगा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड में कन्वर्ट होगा, कभी भी डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए आंसर गलत होता है। तो सबसे पहले हमें, अगर हमें मदर सेल्स के नंबर दिए हुए हैं, तो उसको हमें डिप्लॉयड, उसको हमें हैप्लॉयड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको किसी नॉर्मल सेल का दिया हुआ है क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉयड नंबर दिए हुए हैं, तो उसको आप ट्रिप्लॉयड कर सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमको जो डिप्लॉयड नेचर है क्रोमोसोम्स की, यानी कि 24 क्रोमोसोम्स है, इसका जो हाफ होगा, हाफ कितना हो जाएगा, 12। यानी कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 12। तो ट्रिप्लॉयड यानी कि एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में कितने होते हैं, ट्रिप्लॉयड नेचर होती है। तो क्या करेंगे हम, एंड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो 3 × 12, तो कितने आ गए, 36 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, आंसर सिर्फ इसका क्या आया, 36 क्रोमोसोम्स। तो सिर्फ आपको आंसर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको सिर्फ ये लिखना है आंसर में। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन मैंने ये एक्सप्लेन करा आपको कि किस तरीके से जो डिप्लॉयड नेचर होती है क्रोमोसोम्स की, उसको हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा, हैप्लॉयड में, और फिर हैप्लॉयड को ट्रिप्लॉयड में करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 36 क्रोमोसोम्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स दिए हैं, तो उसको आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म निकाल देते हैं। इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, जैसे सपोज करिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 दिए हुए हैं, तो इसके जाइगोट में कितने होंगे, जाइगोट में कितने होंगे, 8 × 16, यानी कि डिप्लॉयड। जाइगोट में कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड। और एंडोस्पर्म में कितने हो जाएंगे, अब हम इसको जो है 16 × 3 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 × 8, तो कितने हो गए, 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हुआ अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंगल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म निकलेगा। और अगर डिप्लॉयड सेल में निकालना है, तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा डिप्लॉयड। और अगर किसी भी क्वेश्चन में मदर सेल्स में मियोसाइट्स में दिए हुए हैं, तो उसको पहले आपको हाफ करना पड़ेगा, हैप्लॉयड नंबर बनाने पड़ेंगे, देन उसके बाद आपको ट्रिप्लॉयड नेचर 3 से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइलो डाइथीकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स
पर माइक्रोस्पोरेंजियम हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमको मेल गैमेटोफाइट फाइंड करने हैं कि इस एंथर में कितने मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे। अब सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, बाइलोब डाइथिकस। बाइलोब डाइथिकस मतलब कि जो इसके अंदर कितने लोब्स हैं, दो लोब हैं और चार थीका है, यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। इसके अंदर कितनी है, 400 एमएमसी, ठीक है। तो अब ये चार हैं, एक के अंदर बताया है, तो कितने टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, चार, तो क्या हो जाएगा, पूरे हमने किसमें फाइंड करना है, पूरे एंथर में। तो पूरे एंथर के लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 × 100, यानी कि 400 टोटल क्या हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कितने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, तो 400 कितने करेगी, जो यूनिटरी मेथड करते हैं हम लोग वो आ जाएगा, तो 400 × 4 = 1600 मेल गैमेटोफाइट, यानी कि इस एंथर में कितने मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे, 1600। कैसे आया, हमेशा आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल एक माइक्रोस्पोरेंजियम में दिए हुए हैं, तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो टोटल आपको पूरे एंथर की माइक्रोस्पोर मदर सेल फाइंड करनी पड़ेगी। जब हम पूरे माइक्रोस्पोर मदर सेल की सेल फाइंड कर लेते हैं, तब हमें, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करती है, तो 4 यानी कि 4 माइक्रोस्पोर, तो 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने प्रोड्यूस करेंगी, 400 × 4 = 1600। और अगर आपको टोटल एंथर की माइक्रोस्पोर मदर सेल दी हुई हैं, तो आपको डायरेक्टली उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें आपके टोटल मेल गैमेटोफाइट एक एंथर के निकल जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको ये माइंड में रखना है कि एक बाइलोब डाइथिकस एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो अगर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स दी हुई है, तो आपको चारों की सेल्स निकालनी पड़ेगी, और चारों की सेल्स निकालने के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, तो 4 के लिए निकालने के लिए हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको माइंड में याद रखने वाली बात है कि क्या कंडीशन है हमारे पास। कभी भी आपको अगर दिक्कत होगी तो ये इस तरीके से डायग्राम बना लो, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको 4 दिख रहे हैं ना थीका, तो इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर ये बाइलोब नहीं होता, मोनोथीकस होता, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि उसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 थीका होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी कंडीशन आ जाती 2। तो उसमें एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 थीका की नंबर ऑफ सेल्स निकल आएंगी एमएमसी, और उसके बाद हमको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ही पूरे एंथर के मेल गैमेटोफाइट फाइंड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन है, इफ देयर आर 4 सेल्स इन एंथर्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसमें यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एंथर में टोटल सेल्स दी हुई हैं, तो हमको सिर्फ पॉलन ग्रेन्स फाइंड करने हैं, तो हमको उसमें फिर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब देखो यहाँ पे ना डाइथिकस कंडीशन दी है, ना मोनोथीकस दी है। जब तक आपको कंडीशंस नहीं दी हुई होंगी, तब तक आपको डाइथिकस ही मानकर चलना है एंथर को। तो इसमें जो है हमको सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सेल जो है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन को फॉर्म करती है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 16। तो 16 पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्मड होंगे, ठीक है। एंथर में कितनी सेल्स है, टोटल 4 है, 4 सेल्स बोली है एंथर में, और उसमें पॉलन ग्रेन पूछे हैं, तो 4 × 4 = 16, क्योंकि 1 सेल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा और आंसर हमारा आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ 10 फीमेल गैमेटोफाइट इफ 1 मेल गैमेटोफाइट हैविंग 2 मेल न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेटोफाइट में हमेशा 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, द
तब हमको कितने मेल गैमेटोफाइट चाहिए, फॉर्मोगेन चाहिए 10 फीमेल गैमेटोफाइट को फर्टिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं? अब हमने बोला इसमें 10 फीमेल गैमेटोफाइट है हमारे पास, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट हमको फाइंड करना है ना, मेल गैमेटोफाइट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन यहां पे क्या है कि इसके अंदर दो मेल न्यूक्लियाई हैं, ठीक, दो मेल न्यूक्लियाई हैं और हमारे पास 10 फीमेल गैमेटोफाइट है। तो आप लोग आंसर में क्या गलत करते हो, क्या मिस्टेक करते हो, आप इसका आंसर 5 लिख देते हो। जब दो मेल न्यूक्लियाई हैं तो वो मतलब क्या कर रहे हैं, 5-5 ईच को क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। दैट इज रॉन्ग। गलत क्यों है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर स्पेशल कंडीशन है डबल फर्टिलाइजेशन की। एक एम्ब्रियो सेट के अंदर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, सेंटर सेल होते हैं जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पे दो सिनर्जिड, और ये जो होती है ये एक्सेल, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम दो मेल न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, तो जो पॉलन ट्यूब होती है उसके अंदर दो मेल न्यूक्लियाई है ना, तो दो मेल न्यूक्लियाई, एक तो इसके साथ फ्यूज करेगा और एक इसके साथ, तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यानी कि एक मेल गैमेटोफाइट के दोनों न्यूक्लियाई एक ही फीमेल गैमेटोफाइट को फ्यूज करने में यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कितने फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट यूज होंगे, 10 मेल गैमेटोफाइट यूज होंगे, ठीक है। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उतने ही हमको मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है कि 1 मेल गैमेटोफाइट हैविंग द 2 न्यूक्लियाई, तब भी हमको कितने रिक्वायर्ड हैं, या उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि 10 ही क्यों रिक्वायर्ड हैं, या सपोज करिए 5 फीमेल गैमेटोफाइट दिए तो 5 मेल गैमेटोफाइट ही क्यों रिक्वायर्ड हैं जबकि उसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि उसमें जो है क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फीमेल गैमेटोफाइट में दो बार फ्यूजन होता है जिसके लिए मेल गैमेटोफाइट के दोनों न्यूक्लियाई एक फीमेल गैमेटोफाइट में ही फ्यूज हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितने नंबर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यूज होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगी ये आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो ये फॉर्मूले के थ्रू इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन या नंबर ऑफ सीड्स अगर फाइंड करने के लिए आता है तो हमें क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स फॉर्मिंग 100 जाइगोट और 100 ग्रेन्स ऑफ वीट। अगर वीट के 100 जाइगोट हैं या 100 ग्रेन्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने रिक्वायर्ड हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन और नंबर ऑफ सीड्स। इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस n अपॉन 4, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे जो n है वो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ जाइगोट हो सकता है, ठीक है, या नंबर ऑफ ग्रेन हो सकता है या नंबर ऑफ सीड्स हो सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है अगर हमको नंबर मियोटिक डिवीजन फाइंड करना है तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कि क्वेश्चन यहाँ पे जाइगोट है या सीड है या ग्रेन है तो आपको फॉर्मूला यही पुट अप करना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 जाइगोट दिए हैं या 100 ग्रेन दिए हैं तो एन क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ जाइगोट, तो जाइगोट में हम नंबर पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, तो फाइंड करने के लिए हमने 100 प्लस 100 अपॉन 4, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर क्या आएगा, 125।
ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में प्लस, ये तो इतनी मैथ्स आती है आप लोगों को। तो इसको सॉल्व करके कितना आया आंसर, 125, यानी कि 100 जाइगोट्स को फॉर्म करने के लिए या 100 ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए 125 मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड है। इतने मियोटिक डिवीजन होंगे तब जाके 100 जाइगोट या 100 ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसी पर बेस्ड है, इसमें भी हमको नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन फाइंड करने हैं। क्या क्या दिया हुआ है, टू रिक्वायर प्रोड्यूस 200 और 400 सीड्स ऑफ पी, 200 और 400 पी ऑफ सी, पी के अंदर 200 या 400 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन चाहिए। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन इज इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 200 ले ले रहे हैं, 200 प्लस 200 अपॉन 4, तो इसका आंसर जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 250 मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 400 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400 अपॉन 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। तो टोटल आंसर हमारा हो गया 250 और 500। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन को फाइंड करने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पुटअप होते हैं या आपके नीट एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूलों के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और कोई भी वीडियो होती है आप पूरी वॉच करिएगा, तभी आप लोग किसी भी चीज को क्लियरली समझ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन लगता है कि प्रॉब्लम दे रहा है या उसका सलूशन नहीं आ रहा है, किस तरीके से लिखना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि बायो के आंसर्स में आपको प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ डायग्राम जरूर मैंशन करिएगा। और इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट करूँगी। तो टिल देन, बाय बाय।